उत्सवों की सजीली शान, ऐसा है निराला राजस्थान। धरती का एक ऐसा छोर जहां के चप्पे चप्पे पर बिखरा पड़ा है एक इतिहास, यही तो है महाराणा प्रताप के शौर्य, महारानी पद्मिनी के स्वाभिमान, हाड़ी रानी के उत्कर्ष, मूमल के सौंदर्य, भामाशाह के त्याग, पन्ना धाय के बलिदान और प्रेम दीवानी मीरा की अनुपम भक्ति वाला प्रदेश राजस्थान। विरासत जहां आज भी अपना वैभव बिखेरती है और संगीत जहां आज भी जीवन में रस खोलता है। राजस्थान की हर चीज निराली है, कहीं सुनाई देती हैं हमारे धार्मिक स्थानों की प्रार्थनाएं, तो कहीं इतिहास पुकारता है यहां के महलों और किलों से। कहीं दुनिया खींची चली आती है आबू की पहाड़ी वादियों की तरफ, तो कहीं चुंबक की तरह खींचता है रेत का विशाल समंदर। माँ अंबिका का ये मंदिर आकार में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मेवाड़ी स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। राजस्थान में कलाकारों को राजसी आश्रय देने की परंपरा रही है और इसी की परिणति है कि आज ये मरुधरा अद्वितीय सुंदर मंदिरों, महलों और किलों से समृद्ध है। ये है उड़ीसा के कोरापुट जिले का एक अहम हिस्सा दामनजोड़ी। यहाँ नेल्को की एक्सप्लोसिव मैगजीन की हिफाजत के लिए CISF के जवान तैनात हैं। कालचक्र अपनी रफ्तार से चलता रहता है, समय के साथ साथ कुछ घटता रहता है, पर कभी कुछ ऐसा भी घटित होता है जिसे इतिहास कहा जाता है। पंचपटमली पहाड़ियों से घिरी दामन जोड़ी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कितना वक्त बीत गया पर उस रात को याद करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। 12 अप्रैल 2009। हर रोज की तरह हम सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ जवान छुट्टी से लौटे थे और बाल बच्चों का हालचाल बयान कर रहे थे। कुछ वक्री किस्म के साथी जवान भी थे। क्या मेजर, आप भी ना, आपको भी हमेशा कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। हमें देखो एकदम बिंदास लाइफ जी रहे, कोई टेंशन नहीं, आराम से मौज मस्ती जी रहे। वैसे मेजर आपको एक बात बोलूं, ये शादी ब्याह घर परिवार दीन दुनिया ये सब आप जैसे लोगों के लिए, हमने तो एक ही बात सीखी है मेजर बेसिक ट्रेनिंग में, बस यही रहना है। ये सब भी हमारा घर है, यही हमारा परिवार है, यही मौज मस्ती करनी है और देश सेवा करनी है। देखो भाई सबकी अलग अलग अपनी अपनी समस्या है, हर एक के अपने ही सुख दुख हैं। किसी के घर की छत टपकती है, बहन की शादी ना हो पाने का गम उसे सता रहा है। फिर उस रात के 9:30 बजे जैसे कोई वक्त की लगाम को कस के पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा नहीं कि हम बेखबर थे, पर वो कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। बेशुमार नक्सली तेजी से हमारी मैगजीन की ओर बढ़ रहे थे अपनी मौत का सामान लेकर। अरे
नक्सलियों ने हमारी मैगजीन पर हमला बोल दिया। फायरिंग की आवाज सुनते ही हम जिस भी हालत में थे अपने हथियार संभाले और अपने अपने मोर्चों पे जा डटे। जमकर मुकाबला हुआ, घमासान युद्ध हुआ, हमने नक्सलियों को खदेड़ दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, उनके हौसले पस्त कर दिए। उनमें इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी कि वो हमेशा की तरह अपने साथियों की लाशों को अपने साथ ले जाते। पर इस हमले में मेरे भी कुछ साथी शहीद हो गए। उस रात की यादें आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। खामोशी की जुबान, बारूद के ढेर, बेरहम वक्त अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाना चाहता था, पर मेरे साथियों ने अपने हुनर से अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आन बान और शान की खातिर नक्सलियों के होशो हवास गुम कर दिए। नक्सलियों की औंधी पड़ी लाशों को देखकर जीत का एहसास तो था, पर मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे कुछ साथी भी सदा सदा के लिए मुझसे जुदा तो नहीं हो गए। लगभग 3:30 बजे के पास मैं बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सांस नहीं छोड़ा और लड़ता रहा, आखिरी दम तक लड़ता रहा और नक्सलियों को मार ही रहा। 6 नंबर को जब गया उस टाइम देखा और हरेंद्र प्रसाद और मीर परमानिक भी, उसको पहले से गोली लग गया, उधर ही वो लोग थे। उसके बाद मैं उधर से मोड़ चलिया और मेरा साथ चेतन दस था। उसके बाद सामने से मैं फायरिंग करते रहा, वैसे रात भर चलते रहा। जो हमारे देश में आज इतने नक्सल आतंकवाद जो है, इनको ख़त्म करने के लिए हम ही इधर आए हैं और इनको हमारा ख़त्म करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। LMG का फायरिंग खुला ऊपर मोर्चा नंबर 2-3 से, तो जो है काफ़ी नक्सल का वहाँ पर हिट हुआ। उसके बाद इस पूर्व दिशा का एरिया जब क्लियर हो गया तो मोर्चा नंबर 6 की तरफ जब मैं घूमा तो वहाँ पर हमारा 3 आदमी घायल था, जिसमें मतलब कि बहुत बेहोश था। तो हमने जाकर उसको आश्वासन दिया कि आप लोग बैठो और घबराना नहीं। वो सब जो आ रहे थे सारे हमारी ड्रेस, हमारे BP और हेलमेट पहन के, मैंने हमारे कैमोफ्लेजी ड्रेस में वो लोग आ रहे थे, जिसके कारण हमें उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हुआ। लेकिन उनका एक्टिविटी मैंने चलने की तरीका देख के कुछ संदेहपूर्ण हुआ, इस कारण से हमें शक हुआ मन में। 5 नंबर टावर के पास एक नक्सली था, उसको मैं डिस्टर्ब किया तो उसका साथी देखा जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो हम पर ग्रेनेड भीगा। ग्रेनेड भीगने के बाद मेरा हेलमेट और BP छेद दिया और हेलमेट कहाँ गया मेरे को पता नहीं चला। यहाँ नाक भी छेद दिया था, यहाँ भी लगा था। अच्छा, तो काफी खून बहा। हाँ, मेरा चड्डी तक भींज गया था, फिर इधर पीठ में भी BP छेद के लगा था यहाँ साइड में। एक नक्सली बाथरूम पर चढ़ गया था हम लोग को मारने के लिए, फिर सलीम खान को बोला जे सलीम इस पर देखो एक नक्सली चढ़ा है उसको मारो भ्रष्ट। तो जैसे सलीम खान ने भ्रष्ट मारा तो नक्सली कूद गया। कभी भी किसी भी जगह नक्सल का सबसे कमज़ोर जगह वो होता है जब वो फायर खोल देते हैं। जब तक वो अपना फायर नहीं खोलते हैं तब तक उनकी कमजोरी पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वो सिविल आदमी की तरह रहते हैं। जब वो फायर खोल देते हैं तो पुलिस उन्हें समझ जाती है भाई ऑलरेडी नक्सल के अलावा किसी का पास हथियार नहीं है। हेलो 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 कॉमरेड। हेलो, बोल रहा हूँ। बड़े पापा लाल सलाम। लाल सलाम,
क्या रिपोर्ट है? हमारे मिशन की रिपोर्ट है। नक्सली अपने आका से अपनी नाकामी की बात छुपाते रहे, ये तो तय है कि सरहद के उस पार खड़ा शख्स तो हमारा दुश्मन है, पर ये कैसी अजीब कश्मकश है कि अपने ही घर में अपने इस हद तक पराए हो गए कि अपनों के ही खून के प्यासे हो गए। ये रिश्तों की कैसी दलदल है जिसने मेरे कुछ साथियों को मुझसे सदा सदा के लिए जुदा कर दिया। मैंने कहा ना, वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है। जिंदगी फिर लौट आई। अब हम और भी मुस्तैदी से अपनी पैनी नजर को तराशने लगे। इंतजाम और कड़े कर दिए गए, कुछ नए कदम उठाए गए। मकसद सीधा सा था कि हम सब की वजह से हमारे देश का तिरंगा हमेशा आसमानी बुलंदियों को छूता रहे। जिंदगी फिर से संभलने लगी, नए साथी आ मिले और कारवां चलता गया। दिल की बातें, देश की बातें, घर की यादें, कभी रोशनी कभी अंधेरा, कभी रात तो कभी सवेरा। एक ही माँ की औलाद हैं दोनों, ये क्या है उजाला, ये क्या है सवेरा। फिर वही शाम सलोनी, वही रात सुहानी, लहरों के राजहंस अटखेलियां करने लगे। जिसने लिया जन्म इस मिट्टी में और भारत माता का भक्त नहीं, नहीं पिया उसने दूध माँ का और रगों में बाप का रक्त नहीं। ये तो हमारे खून में है कि हम मतवाले हैं और उजालों के पाले हुए हैं। लोकगीतों की विरासत से मिले संस्कार जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने देश से मोहब्बत की दास्तां कितनी पुरानी है। मुझे अपने बल CISF के महान इतिहास पर गर्व है। खड़ी खड़ी तू क्यों रोवे, बात करे मर्दानी की। अरे यार बहुत हो गया गाना बजाना, पेट में चूहे दौड़ भी रहे और गाना गा भी रहे, चलो खाना हो जाए। हमारी बहादुरी के लिए 6 प्रेसिडेंट मेडल्स और 16 पुलिस मेडल प्रदान किए गए। किसी भी बल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 22 बहादुरों को एक ही एक्शन यानी दामन जोड़ी अटैक के लिए सम्मानित किया गया। CISF के लिए ये गौरव की बात है। वर्ष 1964, रांची शहर जो तब बिहार में था, यहां इस साल हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की इमारत में आग लग गई। नुकसान आर्थिक तो था ही, इसने देश को एक मानसिक आघात भी पहुंचाया। संसद में इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ कि एक ऐसा सुरक्षा बल गठित किया जाए जो देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक, सामाजिक और सामरिक ठिकानों की रक्षा कर सके। फिर 1968 में एक बिल पारित किया गया और 1969 में औपचारिक रूप से एक बल का गठन हुआ। ये कहलाया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF। 1999 का वर्ष इस बल के अस्तित्व के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
इसी साल अफगानिस्तान के कंधार में एयर इंडिया के विमान को अपहरण करके उतार लिया गया। यह सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मसला था। देश के दिल में इस विश्वास को बहाल किया जाना बेहद जरूरी था कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। विचार किया गया कि यह आश्वासन कौन दे पाएगा, और इस कसौटी पर खरा पाया गया CISF को। भारत सरकार ने यह फैसला किया कि अब से देश के सारे हवाई अड्डों की निगरानी की जिम्मेदारी CISF के कंधों पर रहेगी। इस बल के पास सुरक्षा के अति आधुनिक उपकरण हैं, और इन उपकरणों के पीछे मौजूद हैं ऐसे कर्मी जो पूरी तरह प्रशिक्षित और योग्य हैं, जो अपने काम को बखूबी जानते हैं, और यदि उन्हें सुरक्षा के सिलसिले में जरा सा भी संदेह हो जाए तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। किलो 10 देखो, अराइवल के एग्जिट पे ट्रोली जहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे रेलिंग के पास में एक व्हाइट कलर का स्वेटर पहने हुए और व्हाइट कलर की पैंट पहने हुए एक लड़का है 20 साल के करीब, उससे आप पूछताछ कीजिए। मैडम को लेने के लिए आए हैं, इसके पास लाइसेंस वगैरह तो है नहीं, बोलता गाड़ी में रखा हुआ है, जनरल पार्किंग का इसके पास टोकन है सर। आज चाहे हवाई अड्डों के प्रवेश द्वार हो, लॉबी, सामान की जांच पड़ताल वाला क्षेत्र, या फिर टिकटों की जांच और यात्रियों का दिशा निर्देशन अथवा उनकी मदद, CISF के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ इन उत्तरदायित्वों को निभाते नजर आते हैं। साथ ही CISF प्रतिबिंब है मानवीय पहलू का भी, यानी सुरक्षा सौम्यता के साथ। CISF के कर्मियों की चौकन्नी निगाहें 24 घंटे सातों दिन निरंतर सुरक्षा के काम को पूरे समर्पण से करती रहती हैं। जमीन हो, आसमान या फिर पानी, इस बल की मौजूदगी हर कहीं नजर आती है। उसे यह सुनिश्चित करना है कि कहीं इस जल की कल कल में कोई छल तो आकार नहीं ले रहा। देश के बंदरगाह एक ऐसी जगह है जहां से अरबों रुपए का व्यापार होता है। अनेक देशों से यहां सामान आता है और जाता है। यहां सुरक्षा को कायम रखना आसान नहीं है, लेकिन CISF ने अपनी निष्ठा और समर्पण के बल पर इस काम को भी मुमकिन कर दिखाया है। जरा सा संदेह होते ही गश्त शुरू हो जाती है। स्पीडबोट, स्पीडबोट, स्पीडबोट को एंकरिंग एरिया में भेजिए। कभी कभी जब ये जलराशियां उग्र हो उठती हैं, तो मछली पकड़ने वाले मछुआरे समुद्र में ही फंसे रह जाते हैं। ऐसे में CISF के जवान अपनी भूमिका बदलकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन मछुआरों को सुरक्षित समुद्र से निकालने में भी मदद करते हैं।
की जीवन रेखा। ये नेटवर्क रोजाना लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाता है और उसे ऐसा करते हुए 7 साल हो चुके हैं। कारण, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CISF के पास ही है। ये CISF का कमाल ही है कि इन वर्षों के दौरान मेट्रो का सफर पूरी तरह सुरक्षित रहा है। पर इस शानदार उपलब्धि पर गर्व करना एक बात है और इसे मुमकिन बनाना एकदम अलग बात। ये संभव कर दिखाया CISF के चौकन्ने कर्मियों ने। अपने उन्नत उपकरणों और अपने अदम्य साहस के बल पर ये सुरक्षा कर्मी इस कीमती ढांचागत सुविधा को सुरक्षित बनाए हुए हैं। CISF ने पुरुष कर्मियों के साथ साथ अपनी महिला अधिकारियों और महिला कर्मियों की तैनाती भी यहां की है। महिला यात्रियों की सहायता और जांच का काम इन्हीं की जिम्मेदारी है। इन्हें कहा जाता है महिला प्रहरी। मेट्रो क्योंकि दिल्ली की शान है, इसलिए इसके लिए खतरा भी बराबर बना रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बम आदि होने की आशंका के मद्देनजर बाकायदा मॉक ड्रिल भी की जाती है, ताकि यदि दुर्भाग्य से कभी ऐसी स्थिति आ ही जाए तो उसका पूरी कुशलता से समाधान निकाला जा सके। जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने में ये लोग जरा भी नहीं झिझकते। CISF की क्विक रेस्पॉन्स टीम यानी QRT भी है। जब किसी चीज के बम होने का शक होता है तो इस टीम की मदद ली जाती है। इस टीम को बॉम्ब डिस्पोजल के काम में महारत हासिल है। मुस्तैदी और विश्वास आसानी से हासिल नहीं होता है। इसकी पृष्ठभूमि में मौजूद होती है जबरदस्त ट्रेनिंग। CISF के पुरुष और महिला कर्मियों को बदलते सुरक्षा हालात के मद्देनजर अति आधुनिक और सामयिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी जान जोखिम में डालकर इस ट्रेनिंग को अंजाम देने वाले ये पुरुष हैं या महिलाएं? ये महिलाएं हैं जो मुस्तैदी और फुर्ती में अपनी मिसाल आप हैं। CISF कर्मियों को रॉक क्लाइंबिंग, रूम इंटरवेंशन, ऑब्स्टेकल्स, कमांडो कॉन्फिडेंस जंप के अलावा और भी कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं,
जो इन्हें किसी भी परिस्थिति पर काबू पाने में सफल बनाते हैं। अल्फा अल्फा कमांडो ऑफ सेक्टर रेडी टू मूव जीरो टाइम स्टार्ट। अल्फा अल्फा रोजर। ट्रेनिंग के हर पहलू पर इनके ट्रेनर्स और इंस्टीट्यूट के उच्चाधिकारी इन पर नजर रखते हैं। इनके हर मूव की टाइमिंग होती है और इस टाइमिंग को और सुधारने की कोशिश की जाती है। इनकी गलतियों को दूर करके इनके प्रदर्शन को और निखारने के प्रयत्न भी लगातार चलते रहते हैं। कमांडो सावधान। दिया हुआ कार्य समाप्त हो श्रीमान। शाबाश, बहुत अच्छा प्रदर्शन और हमारे जो रिकॉर्ड टाइम है उससे ऊपर गया है टाइम, इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला अच्छा प्रैक्टिस करके आपका रिकॉर्ड टाइम से बेहतरीन प्रदर्शन करें सर। ओके, माफ चाहो। यही सर। दामन जोड़ी सिर्फ एक मिसाल है उस जज्बे की जिसका प्रदर्शन CISF के इन जांबाजों ने अपनी जान देकर किया। इन्होंने नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ी। लेकिन यही तो ध्येय है इनके जीवन का, देश के उन उद्यमों की रक्षा जो उसकी अर्थव्यवस्था उसकी समाज व्यवस्था की रीढ़ हैं। ये हैं एक विश्वास के पहरवे कि हालात कैसे भी हों, जरूरत कैसी भी हो, ये उस यकीन को कायम रखेंगे जो इन पर देश करता है, यानी बचाव और सुरक्षा। इस जज्बे को सलाम। आप देख रहे हैं DD भारती। रविवार सुबह 10 बजे DD भारती पर।
रविवार सुबह 10 बजे डीडी भारती पर। हंसता रुलाता बनाता प्रपंच, चेहरा छिपा के चेहरा दिखाता, लीला में रस रंग मिलाता। इस मंच की है अपनी दास्ता, बल खाता लंबा घूमता रास्ता। शब्दों से पहले बनती गई जो, सदियों के संगढ़ती गई जो कहानी है ये रंग मंच की, कहानी है ये रंग मंच की। आ देर हो गई जनाब, एक तो ट्रैफिक जाम, धुआं, पॉल्यूशन और ऊपर से नाटक वही सड़क के कोने में। अब बताइए, नाटक हो रहा होगा तो कैसे रुका नहीं जाएगा? वैसे भी आपने देखा होगा कि सड़क पर जब दो आदमी लड़ रहे हो तो भीड़ अपने आप जमा हो जाती है। कोई नई चीज बेच रहा हो तो भी लोग खड़े हो जाएंगे। यानी चलते चलते रुकने में हम अभ्यस्त हैं। वैसे भी हम महानगर को छोड़ हम चलते कम टहलते अधिक हैं। अब आप ही बताइए जनाब, अगर किसी नुक्कड़ पर नाटक हो रहा हो तो इसमें आश्चर्य कैसा? कुछ लोक नाट्य ऐसे भी हैं जिन्हें सहज रूप से कहीं पर भी खेला जा सकता है। शहर बने, औद्योगिकरण हुआ और मजदूरों की अपनी बात, अपने आंदोलन खड़े हुए। शुरुआत हुई ऐसे छोटे नाटकों से जो फैक्ट्री के गेट पे खेले जा सके और जो मजदूरों को जानकारी भी दें। अखबार, कविता, अभिनय का मिला जुला पोस्टर नाटक तैयार हुआ। खोदबूझ है, खोदबूझ है, खोदबूझ है। हाँ, बराबर आ जगह पर खोदबूझ है। पुरानी संस्कृति ना छह सगड़ दोस्त, चौकसे नगर वस्तु हतु, ફક્ત લાવા જળ ને પથ્થર નહીં, અહીં આપણા જેવું કશુંક વસ્તુ હતું। ખોદવું છે, ખોદવું છે, ખોદવું છે। હા, બરાબર આ જગા પર ખોદવું છે। પાળ જેની કાઢવા મે રાત દિન ભેગા કર્યા, એ નગરના અહીં સખત એંધાણ છે। જો અહીં કોલાણ છે। સ્ટ્રીટ પ્લેઝ એસેન્શિયલી